नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा लाला। वेलकम बैक। नई सुबह, नए मेहमान, नई सुबह के साथ, नए मेहमानों के साथ रोजाना नया टॉपिक, नया टैलेंट होता है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि न्यू टैलेंट को प्रमोट करना तारा के शो में तारा का काम होता है। और जितने टैलेंट हमारे सिंध में हैं, शायद कहीं और मिले आप सबको। तो जब मैं कोई न्यू टैलेंट देखती हूँ, जो काम देखती हूँ, जो वर्कआउट हमारे सिंध में लोग कर रहे होते हैं, और बड़ी खुशी होती है। सबसे पहले टिकटॉक ऐप के ज़रिए बहुत लोगों ने अपना एक प्लेटफॉर्म मिला, जो प्लेटफॉर्म पे आके अपने अपना टैलेंट शो किया या एक अपना फेम गेन किया। तो ऐसे ही हमारे साथ जो आज के मेहमान मौजूद हैं, वो टिकटॉकर भी हैं, और टिकटॉक ऐप पे वो कैसे आए, क्यों आए, कितनी फॉलोअरशिप है और क्या लोगों का प्यार मिला, ये इनसे हम जानेंगे। वेलकम करते हैं अपने शो पे KM सिंधी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक क्या है? बस टिकटॉक एक ऐप है और इसको आप जिस तरीके से यूज करेंगे तो उसी तरीके से आप यूज कर सकते। अच्छा, आपका कंटेंट क्या है टिकटॉक पर? मेरे 1,00,000 फॉलोअर हैं, 1,000,000 से ऊपर लाइक्स हैं। अच्छा, तो आपका कंटेंट क्या है, मतलब क्या किस टाइप की वीडियोस आप बनाते हैं? मैं सिंध के ऊपर अक्सर बनाता हूँ, जैसे कॉमरेड बनाते हैं सिंध के हिसाब से, क्योंकि मेरा जज्बा जोश जो है सिंध के लिए, इसलिए मैं सिंध के ऊपर ज्यादा बनाता हूं। अच्छा, किसको देखकर आप टिकटॉक ऐप पर आए थे, टिकटॉक ज्वाइन किया? मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, मुझे पहले इतना मालूम नहीं था टिकटॉक का, तो MT शकील के नाम से वो ID चलाता था, तो वो वायरल हो रहा था बहुत कुछ। तो मैंने देखा कि ये क्या चीज़ है, जब उसको मैंने देखा तो मैंने भी ये ऐप शुरू कर दिया और अपनी मेहनत शुरू कर दी, और माशाल्लाह आज मैं फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट है। क्या सपोर्ट है? मतलब ये है कि वो मेरे टिकटॉक ID को देखते हैं और एक UTC तारीफ कर देंगे, तो वो भी मेरे लिए बहुत है। ये भी एक सपोर्ट में आ जाता है कि आप अच्छे टिकटॉक बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फेवरेट टिकटॉकर? मेरा फेवरेट टिकटॉकर माशूक बलोची। माशूक बलोची जब भी तक छड़ा है तभी तो मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ कह सकते हैं। लड़कियों में फेवरेट टिकटॉकर कौन है? बस लड़कियों में शुरू में हमें अक्षा को देख के ही मतलब अच्छा लगता था कि ये हमारे सिंध में टैलेंट लाएगी जी। शुरू में, और अभी कौन है शुरू में? वो तो शुरू में लगता था ना, अभी रिसेंट कौन है? अभी रिसेंट कोई ऐसे खास तो नहीं है, लेकिन टिकटॉक सारे अच्छे हैं, आप भी अच्छी हो टिकटॉक को भी देख के हमें अच्छा लगता है। अच्छा, और बॉयज में माशूक बलोच के कंटेंट के बारे में क्या कहेंगे, जो वो कंटेंट पे बनाते हैं, वीडियो छोड़े, वो हमेशा उनकी ऐसी होती है? बस मैं माशूक बलोच को जानता हूँ, हालांकि वो शादीशुदा भी है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं बोलो शादी हुई पड़ी है। बिल्कुल, उसकी शादी है, तो वो ये जो कॉन्टेंट बना रहा है बस एक लोगों को फनी के हिसाब से आसानी के लिए बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपको टिकटॉक के अलावा आप क्या करते हैं, पर्सनल लाइफ आपकी शेयर करें? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, तो कभी कोई फैन मिला आपको कहीं? बहुत सारे मिलते हैं। क्या कहते हैं? इस वीडियो बनाओ, हमारी सपोर्ट करो। अच्छा, वीडियो फॉलोअर्स कैसे गेन होते हैं आप ये बताएं? सॉरी, फॉलोअर्स कैसे मिलते हैं आपको, कैसे फॉलोअर्स मिले? मुझे मेरे वीडियो जो लाइक वायरल हुए हैं तो उसके बाद मेरे को फॉलोअर। तो आप लोगों को बताते हैं कि कोई ट्रिक नहीं है, कोई और ट्रिक मांगे? नहीं, ट्रिक तो कोई नहीं है ना भाई, आपको अपनी मेहनत पे मिले। मैं अपनी मेहनत पे। आपने परचेज तो नहीं किए? नहीं, बिल्कुल। तो बस नाजरीन, ये टिकटॉक ऐप के बारे में है कि कितनी मेहनत लगती है फॉलोअर्स लेने में। वीडियो कंटेंट बनता है, वो कंटेंट अच्छा हो बुरा हो, वायरल जाए ना जाए, लक पे डिपेंडेड होता है। अगर वो वायरल जाता है तो फॉलोअरशिप आते हैं, वायरल नहीं जाता तो इंसान क्या करेगा, बैठा रहेगा, दोबारा बनाता रहेगा, दोबारा ट्राई करेगा, ऐसा ही है। तो अच्छा, कितना टाइम से आप टिकटॉक बना रहे हैं? मेरे को 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल जी हाँ। इसमें बहुत सारे मुश्किलात हुई, आइडिया भी हमारी बैंड हुई। कितनी आइडिया बैंड हुई? तकरीबन 2 से 3 मेरी ID जो मिलियन में पहुंचने वाली थी तो बैंड हो गई थी, फिर भी हमने ये कांटेक्ट नहीं छोड़ा, अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, तो माशाल्लाह फिर भी कामयाब। बैंड जो आईडी करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में, बस उनको अल्लाह हिदायत दे, गलत करते हैं ये लोग। मैं यही बोलता हूँ कि जलन नहीं होनी चाहिए किसी के टैलेंट के ऊपर। बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा शहर खिपरो है।
जॉब मैं हैदराबाद में करता हूँ। तो आप हैदराबाद से आए हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद शो के लिए। आप हैदराबाद? बिल्कुल शो के लिए हैदराबाद से। क्या बात है, हैदराबाद से इतनी दूर से शो के लिए आए हैं, मेहरबानी आपकी। आप आए, आपने वक्त दिया आपने, और ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, आप लोग आए शो के लिए। तो नाज़रीन, ये है टिकटॉक ऐप की दुनिया की बातें। टिकटॉक क्या है, टिकटॉक क्या क्यों यूज़ किया गया, टिकटॉक पे फॉलोवर कैसे आए, और ये मुझे बताएं टिकटॉक के क्या फ़ायदा क्या नुकसान आते हैं। देखें, फ़ायदा एक बहुत है, जैसे अभी कुछ सिंध में अभी डूब गया था हमारा सिंध, तो हमारे बहुत सारे टिकटॉकरों ने हेल्प की थी। जैसे क्या गया था, अभी भी डूबा हुआ है। जैसे आप अच्छा ऊपर आए, सबको बताया, तो यही होना चाहिए टिकटॉक में। इसमें तो फ़ायदा है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाती है। मैं एक नीचे का बंदा हूँ, लेकिन टिकटॉक ऐप पे मेरी जब वीडियो वायरल होती है तो दुनिया भर में जाती है। मैं ये समझता हूँ कि मैं नीचे रह के भी मेरा आवाज़ पूरी दुनिया सुन सकती है, तो यही फ़ायदा है। और नुकसान फिलहाल तो नहीं हुए कोई। टिकटॉक पैसा तो नहीं देता, फिर क्यों बनाते हैं? बस शौक है, जब तक बनाएंगे जब तक ये शौक रहेगा। जब तक शौक है बनाएंगे। अगर कभी टिकटॉक ऐप जो है बैंड हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? फिर कोई दूसरा ऐप ढूंढ लेंगे। तो ये पाकिस्तानी आवाम है, अगर टिकटॉक बैंड हो गया तो कोई और ऐप ढूंढ लेंगे। लाइक स्नैप चल रहा है, लाइक ही चल रहा है, तो वहाँ चले जाएंगे? नहीं, फिलहाल जब तक टिकटॉक है तब तक हम नहीं जाएंगे कहीं। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये थे आज हमारे साथ KM सिंधी। आपका असली नाम क्या है, KM सिंधी क्यों नाम रखा है आपने? ये मैंने, असल मेरा नाम है खान मोहम्मद, तो मैंने उसको शॉर्ट करके KM सिंधी रख दिया। तो ये जो टिकटॉक पे निक नेम है, तो कभी आपको लोग मिलते होंगे तो बोलते होंगे KM सिंधी के नाम से ही बुलाते होंगे? जी बिल्कुल। तो आप बताते हैं कि भाई मेरा रियल नेम ये है? जी जा, अगर कोई पूछता है, जैसे आपने पूछा है, तो हम बता देते हैं, नहीं पूछता है तो चलने दें। नहीं पूछता तो चलने दें, बिल्कुल ये है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ KM सिंधी, जिनका पूरा नेम है खान मोहम्मद। टिकटॉक का बहुत शौक था और टिकटॉक ऐप पे आए, बहुत 4 साल की मेहनत इनकी है, बहुत आईडी बैंड हो चुकी हैं। अभी आईडी इन्होंने बनाई जो 1 मिलियन लाइक्स और 1 लाख फॉलोअर्स क्रॉस गए। क्या मैसेज देंगे अपने फैंस को? मैं अपने फैन को ये मैसेज दूंगा कि जो भी अपनी मेहनत है उसको आप नहीं छोड़ो। ये नहीं है कि आप एक बार नाकाम हो गए दूसरी बार कामयाब नहीं हो गए, बस आप अपनी मेहनत जारी रखो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो छोटे यूज़र हैं वो भी ऊपर आ जाएंगे। जितने भी मेरा फॉलोअर है, मेरा यही मैसेज है उनके लिए कि अपनी मेहनत बरकरार रखें। तो जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। और इतना बताऊं कि सबको मौसीकी से बहुत प्यार होता है, लगन होती है, चाहे वो मौसीकी दुख भरी हो या चाहे वो एक बॉम कह सकते हैं उस टाइप की हो, तो सब लोग सुनते हैं। तो हमारे साथ एक बहुत प्यारे सिंगर मौजूद हैं, ब्रेक के बाद आप सबको उनसे मिलवाते हैं। देखते रहिए तारा तारा। रोज़नामा मेरा मुल्क, कराची, लाहौर, सरगोधा, इस्लामाबाद से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रेक से पहले कि हमारे साथ कौन मौजूद हैं, क्या करते हैं, सिंगिंग से उनका ताल्लुक़ है और बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत ही प्यारी उनकी वॉइस है। तो अगर मैं पूछूं उनसे सिंगिंग के बारे में कि सिंगिंग का शौक़ कैसे हुआ, सिंगर क्या ये बेस्ट सिंगर बन सकते हैं, और इन्होंने क्यों सोशल मीडिया पे अपनी वॉइस को शो नहीं किया, तो वेलकम करते हैं अपने शो पे गुल हसन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सब खैर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको सिंगिंग का कब से शौक है? जी बचपन से शौक था। तो आप सोशल मीडिया पे अभी आए हैं? जी अभी आया हूँ। तो किसने सपोर्ट किया आपको? मेरा मसादे आशिक अली भट्टी, उसने सपोर्ट किया, और ये KM सिंधी, ये भी मेरा मसादे मतलब कजन है। हां हां, तो इन्होंने आपको सपोर्ट की। जी तो आप किस किस्म के गाने गाते हैं, सेट गाते हैं, सिंधी गाते हैं, उर्दू गाते हैं? मतलब सिंधी सॉन्ग जो है, जो ज्यादा सुनते हैं। फेवरेट सिंगर कौन है आपका जिसको फॉलो करते हैं? शाहिद अली बब्बर।
शाहिद अली बब्बर, शाहिद अली, मुमताज मलाई है हमारे पास, उमरानी है, माशाल्लाह वो भी अच्छे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट सिंगर जो है ना वो शाहिद अली बब्बर है। शाहिद अली बब्बर है, तो उनका कोई गाना आपको याद है? जी उनका मुझे गाना तो पूरा याद नहीं है, मुझे जवाहर सिंह का गाना याद है मुझे, तो वो मैं आपको पेश करूँगा इंशाल्लाह। ओ पंजो थी पियो गैर आसाई, पंजो थी पियो गैर आसाई, पिय चवात खेर आसाई, ओला किय चवात खेर आसाई, मासूम चहे किस्मजी मूसा वफातने, मासूम चेहरो दिल में दगातन, एड़े किस्मजी मूसा वफातने, जड़ना गवारो वेर आसाई, ना गवारो वेर आसाई, चवात खेर आसाई, कारी हरते पैर आसाई, कारी हरते पैर आसाई, किया चवात खेर आसाई, ओला किया चवात खेर आसाई, साखव दे मो चवात खेर आसाई, ओला किया चवात खेर आसाई, पंजो थी पियो गैर आसाई, पंजो थी पियो गैर आसाई, किया चवात खेर आसाई, ओला किया चवात खेर आसाई। क्या बात है, ये आपका फेवरेट सॉन्ग मुझे लगता है, आपने बड़े दिल से गाए है, ऐसा ही है तो फेवरेट सॉन्ग भी है। और उर्दू सॉन्ग्स को आप पसंद करते हैं या सिर्फ सिंधी सॉन्ग? जी उर्दू सॉन्ग को भी पसंद करता हूँ, लेकिन मैं इतना गाता नहीं हूँ उर्दू सॉन्ग, माशाल्लाह हम सिंध में रहते हैं तो सिंधी सॉन्ग गाए, सिंधी सॉन्ग गाते हैं। तो ये मुझे बताएं कि फैमिली का क्या था, फैमिली सपोर्ट है? जी बिल्कुल फैमिली सपोर्ट है, वो भी यही चाहते हैं कि मैं ज़्यादा मतलब सिंगर बनूँ और आगे तक जाऊँ। तो आपको कभी मौका मिला कहीं प्लेटफॉर्म? जी नहीं, कहीं मौका नहीं मिला, ये पहली बार आपकी मेहरबानी, आपने इस शो में मौका दिया है मुझे। अच्छा, तो और कौन से सॉन्ग आपको आते हैं? क्योंकि हमारे पास सिंगर्स आते हैं तो हम उससे गपशप बिल्कुल नहीं करते, हम कहते हैं भाई हमें गाने सुनाओ और जाओ, तो ये है कि हम आपको गाने ही सुन के वापस भेजेंगे, कभी ज़्यादा गपशप नहीं करेंगे। तो कौन सा गाना और आपको आता है? और गाना मेरे को आता है केंजे मारण लाए खोलिया वार थी। अच्छा वो वाला आता है, सही मुमताज मौला के कोई गाना आता है आपको? कोई भी नहीं याद, सही ये देख लो आप, ये आपकी हमारे सिंध के लोग हैं, नाम वाले बंदे हो, गाना आपका नहीं आता। और किसी का आता है? किसका आता है? फैजा अली का आता है? नहीं फैजा अली का नहीं। फैजा तू भी देख ले बेटे, और किसी का? और शमन मीरा अली का। चलो उसका ही सुना दो, शुक्र शुक्र। चलो मैं आपको उमरानी साहब का गाना सुना, चलो आशिक मजबूर ओ आशिक मजबूर बले के लोबी कंधार होजे, सुम जो सलामी हुंदो, सनम जो सलामी हुंदो, भले को बोतार होजे, मजबूर आशिक मजबूर बले के लोबी कंधार होजे, अमी छोटा समझायो मान डोबार नाया, सब कुछ समझा तो पर लाचार आया, मजबूर आशिक
आशिक मजबूर भले के डोबी कंदार हो जे। क्या बात है, बीच में क्या नंबर मारना है, ये किसके लिए था? ये कह रहा है कि मैं सब कुछ समझता हूँ। हाँ, मैं छोटा बच्चा नहीं, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं, सब कुछ। देखो, उमरानी साहब के जो गाने हैं ना, उनमें अपना ये वो मजा आता है सुनने में। उनका हुआ ना हाय हाय टूटी दिल, बात है आपको? हाय हाय टूटी दिले लगो धक जिगरी, जमीन पेरने ठावैया निकरी, अल्लाह साईं बचायो न तवना हमारी, अल्लाह साईं बचायो न तवना हमारी। क्या बात है। और शमन हरिंदरानी साहब को हमने बीच में छोड़ दिया था, वापस में को कंटिन्यू अगर करें। शमन अली मीरा अली का गाना है वो, मुझे कौन सा था, एक और शमन अली मीरा अली साहब का गाना था, कल मैं सुन भी रही थी। शीशे का था दिल मेरा, शीशे का था दिल मेरा, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया बस याद है, आगे नहीं था। आगे बड़े प्यारे लाइंस थी, अगर याद होती तो बड़ा मजा, एंजॉय भी करते, मजा भी आता। और बताएं, और कौन सा सॉन्ग है? और शमन अली का। अच्छा, ये हमारा आज मैं सबको बता दूं, ये हमारे मेरे शो पे मेशअप हो रहा है, सारे सिंगर्स का मेशअप कर रहे हैं। हाँ, और कौन सा है? और शमन अली मीरा अली का एक और सॉन्ग आपको दो लाइनें सुनाता हूँ। दो नहीं, हमें पूरा सुनना है। आ हुस्न वदी हस्ती सरदार झुकाए थो, आ हुस्न वदी हस्ती सरदार झुकाए थो, महबूब जी गलियन में, महबूब जी गलियन में, ओ मगरूर अपनाए थो, आ हुस्न वदी हस्ती सरदार झुकाए थो। आगे से मैशअप कोई और कंटिन्यू होगा? मुझो बस ये खबर नहीं पर के रहा। ये खबर इंशाल्लाह पड़ जाएगी खबर। तो भाई आज हमारे साथ गुल हसन मौजूद थे और बहुत प्यारी सिंगर हैं। मैं जो हूँ अपना सोशल मीडिया को मैसेज दूंगी, अपने जितने भी फैंस हैं या जितने व्यूवर्स हैं सबको, कि भाई इनको चांस देना चाहिए आगे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर, ये अपना अपनी वॉइस दिखा सकें और एक अच्छा नाम वाले फनकार भी बन सकें। तो मेरी दुआ है आपके साथ, जहाँ हमारी सपोर्ट चाहिए होगी आपको मिलेगी। जाते जाते हम लोग इजाज़त लेंगे और एक सॉन्ग के साथ, उस सॉन्ग से मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टैलेंट के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। बचपन जो प्यार छिनी मुखा वरी बेसा प्यार थो करे, दुख थे